21 अगस्त को निकाली गई ब्रजमंडल यात्रा के दौरान नूह के नल्हड़ में जमकर हिंसा हुई थी। ऐसे में आज की यात्रा के मद्देनजर वहां पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा का क्या इंतजाम किया है वो भी जरा जान लीजिए। नल्हड़ मंदिर में पुलिस बैरिकेटिंग की गई है। 2 किलोमीटर पहले ही जो है किस तरीके से गाड़ियों की एंट्री रोकी गई है, 2 किलोमीटर पहले ही गाड़ियों की एंट्री बैन है। जैसा हमारे सहयोगी बता रहे थे, दर्शन के लिए पैदल लोग जो है वो जा सकेंगे और जलाभिषेक कर सकेंगे। ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी जो है वो रखी जा रही है। चाक चौबंद व्यवस्था जो है यहां पर की गई है। ड्रोन से नजर रखी जा रही है कि लोग जो जलाभिषेक करने के लिए पहुंचेंगे कहीं उनके बीच किसी तरह की कोई बात ना हो जाए। नूह में यात्रा निकालने पर विश्व हिंदू परिषद किस तरीके से अड़ा हुआ है वो आपको बताते हैं। नव भारत से वीएचपी अध्यक्ष आलोक कुमार ने क्या कुछ कहा है। आज सावन का आखिरी सोमवार है, प्रतीकात्मक यात्रा जो है वो होगी। भगवान की पूजा से हमें रोका नहीं जा सकता, वीएचपी के अध्यक्ष ये कह रहे हैं। और यही वजह है कि विश्व हिंदू परिषद जो है वो अड़ी हुई है कि वो आज यात्रा निकालेगी, जो यात्रा उस दिन अधूरी रह गई थी, यानी 21 अगस्त को जो यात्रा अधूरी रह गई थी। धार्मिक यात्रा को सुरक्षा देना जिला प्रशासन का काम है, ये भी कह दिया है। सरकारें इसलिए बनाई जाती हैं कि लोग अपने धार्मिक कामकाज कर सकें, रस्मों रिवाज कर सकें और यात्राएं कर सकें। सरकार इसलिए नहीं बनाई जाती कि हमलावर को रोकने के बजाय धर्म यात्रा को रोक दे। हम लोगों को ये मालूम है कि 20 ये चल रहा है और हमको ये भी मालूम है कि मेवात एक संवेदनशील क्षेत्र है, इसलिए अपनी जिम्मेवारी पे हमने तय किया है कि यात्रा प्रतीकात्मक निकालेंगे, कम लोगों की निकालेंगे, पर यात्रा निकालेंगे, मैं भी उसमें जाऊं।